वीडियो इज़ पावर्ड आज के बच्चे काम काम करना नहीं नहीं चाहते। वी हैव लाइफ आने जनरेशन इससे भी होगी। पैसा चाहिए, काम नहीं चाहिए। दोस्तों में आपको एक अपने बैचमेट एम बी के बैचमेट की कहानी बताता हूँ उसका नाम रख लीजिए की सुधीर सुधीर नाम का एक बंदा है मिड एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल में काम करता है ठीक है लिंकडिन में प्रोफाइल बहुत अच्छी है उसकी बहुत बड़ा ब्रांड नेम है आ, कभी कभी फ़ॉरेन भी घूमने जाता है लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि जब उसका लाइट काम होता है लाइट काम होता है मान लीजिए साल में चार पाँच महीने तो उसका लाइट काम होता है हफ्ते का सेवेंटी आवर्स जो हमारे नारायण मूर्ति जी ने बोला भी है कि यंगस्टर्स शुड वर्क फॉर सेवेंटी आवर्स अ वीक इन इस बंदे का लाइट वर्क लोड है सेवेंटी आवर्स पर वीक और जब डिमांडिंग काम होता है तो ये बंदा पचासी से नब्बे घंटे पर वीक काम करता है फाइव डे वर्किंग ही है तो आप देख लीजिए फाइव डे वर्किंग में उसको नब्बे घंटे काम करना है छः दिन कर है तो भी उसको नब्बे घंटे काम करना है काम उसका नब्बे घंटे का है जब तक उसको अच्छा काम उससे एक्सपेक्टेड है तो बस उसकी लिंक प्रोफाइल बहुत अच्छी है उसका फैंसी ब्रांड नेम है उसकी सैलरी बहुत अच्छी है जिसको उसको खर्च करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि किस पे खर्च करे फैमिली है नहीं लड़की खोजने का टाइम है नहीं एम में उसने शादी किसी को खोजा नहीं जिससे शादी कर सके uh, क्योंकि वहाँ भी उसे सी जी अच्छा लाना था दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉर्ड ऑफ ओवर अचीवर्स जो एम से निकलते ही चौबीस पच्चीस छब्बीस साल की उम्र में इन हैंड डेढ़ लाख से ज़्यादा कमाते हैं फैंसी ब्रांड नेम होता है और सैलरी में रिच टॉप इंडिया के टॉप वन परसेंट टॉप वन के टॉप पॉइंट फाइव परसेंट में पहुंच जाते हैं सैलरी के द्वारा तो ये इनकी कहानी है इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे नारायण मूर्ति जी के स्टेटमेंट का कि यंगस्टर्स को क्या सत्तर घंटे हफ्ते में काम करने से ही सक्सेस है या कोई और भी ज़रिया है सक्सेस का हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स दोस्तों ये सच बात है कि हर कंपनी में आपको एक्सपेक्टेड होगा आपका मैनेजर आपके जो भी बॉसेज हैं आपके जो भी सुपर बॉसेज हैं कॉलीग्स भी सब बोलेंगे भाई काम करना है कंपनी में आप जा रहे हो कंपनी है ही काम कराने के लिए राइट वो आपके मम्मी पापा अंकल आंटी नहीं है वो काम करने के लिए बने तो आपको काम ही करना होगा द इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू इट वो आपके दोस्त नहीं है कंपनी चेंज होती कॉलीग्स भी चेंज हो जाते हैं दोस्ती भी बदल जाती है कंपनी आपके फैमिली बिजनेस नहीं है आपके रिलेटिव नहीं है मेरे पापा के कपड़े का दुकान है वहाँ भी हमें एक्सपेक्ट होता है कि काम करे काम से इज्जत मिलती है काम से ही ग्रोथ होता है काम से सब कुछ है लेकिन अगर आप गलती कर रहे हो तो आपका पापा आपके चाचा आपको निकालेंगे नहीं बिज़नेस से आपका ही बिज़नेस है अगर आप गलती कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यार कि मतलब आपके साथ कुछ बहुत ही अनोखा कुछ हो जाएगा लेकिन कंपनी में कोई आपका नहीं है यार अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप उनके लिए एक लाइबिलिटी हो क्योंकि यार खुद सोचो मेरी कंपनी है मैं अपना मेरा यूट्यूब चैनल है चलिए बहुत छोटा लेवल का है छः लोग हैं छः लोग मिलकर मैं अच्छी खासी सैलरी अपने हिसाब से अच्छा खासा देता हूँ ठीक है जितना कमाता हूँ उसका मैं थर्टी परसेंट इनफैक्ट अपने लोगों को दे देता हूँ तो मेरे तो थर्टी परसेंट इज़ अ बिग नंबर राइट मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर सौ रुपये कमा रहा हूँ तीस रुपये मैं अपने इंप्लॉइज़ को रख दे रहा हूँ और मैं हमेशा रखूँगा मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो तीस परसेंट ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे लिए तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो मैं नॉन परफॉर्मर को नहीं रख सकता आई कैनॉट कीप अ नॉन परफॉर्मर आई आई कैन कैन बी नाइस टू 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 गिव मंथ्स अंडरस्टैंड वर्क मैक्सिमम उससे ज्यादा मैं उनको टाइम नहीं दे सकता मेरा ये कहने का मतलब है कि ये वर्किंग ज्यादा ऑफ कोर्स काम ज्यादा तो आपके कंपनी भी बहुत फैक्टर्स में डिस्कस करेगा जो हम बात करेंगे लेकिन आपको परफॉर्म करना है परफॉर्म करना ज्यादा काम करने से रिलेटेड है कि नहीं मतलब कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जब लक होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो कम काम करके भी फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत हाई परफॉर्मर हो जल्दी काम करते हो आप आई सेक्टर में चल जाओ तो आप कम काम भी करोगे आपका काम हो जाएगा क्योंकि आई में काम कम दिया जाता है सबको कम दिया जाता है ठीक है उसका कारण जो भी है कि ऑलरेडी स्टैब्लिड इंडस्ट्री है एक प्रोसेस से काम हो रहा है लेकिन आप ई e कॉमर्स में गए स्टार्टअप्स में गए ठीक है वहाँ काम बहुत ज़्यादा है मीडिया में काम बहुत ज़्यादा होता है यार तो वहाँ पे कल्चर ही कि काम ज़्यादा करना है और फिर अगर आप जल्दी काम करते हो तो आप मैनेज कर सकते हो पर अगर आप काम स्लो करते हो अगर आप परफेक्शनिस्ट हो आप काम थोड़ा टाइम लेके करते हो तब तो आपको ज़्यादा आवर्स देना, देना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ आवर्स जो आपका मैनेजर एस्टीमेट करा है कि मैं मुझे इसको बारह घंटे का काम देना है अब आप हर काम को एक्स्ट्रा परफेक्शन के साथ करते हो तो आप हो सकता है तेरह घंटे लगाओ क्योंकि आपको वो अच्छे से करना है क्योंकि एक रूल होता है कॉपरेट का कि यू हैव टू गो ओवर एंड बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू सक्सीड इन लाइफ अब ओवर एंड बियॉन्ड करना है बारह घंटा का तो काम ही मेरा मैनेजर मुझे दे रहा है अब मुझे ओवर एंड बियॉन्ड करना है क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए हाइक चाहिए तो मुझे तेरह घंटा का काम करना ही पड़ेगा तो यार ये यही नारायण मूर्ति जी भी कह रहे थे इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो यू हैव टू गिव मोर टू ग्रो जनरली प्रोमोशन का एक रूल होता है मैंने अपने बॉस से पूछा था कैब जिम ने इन में कि प्रोमोशन के लिए क्या करना होता है उन्होंने बोला प्रोमोशन के लिए क्या करना होता है अभी तुम सीनियर कंसल्टेंट हो माले तुमको मैनेजर बनना है तो मैनेजर कुछ ऐसा काम कर रहा है जो तुम नहीं करते हो तो तुमको उसका काम पहले ही करके देना है तुमसे तो सीनियर कंसल्टेंट का काम एक्सपेक्टेड है पर तुम मैनेजर का काम करके दो अभी तब हम लोग सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी मैनेजर काम कर दे रहा है हमें इसको मैनेजर बनाना है तो वो ऑलरेडी काम एक्स्ट्रा करने के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा ना यहाँ पे नारायण मूर्ति जी सही कह रहे हैं एक तरह से कि यू हैव टू डू मोर देन इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू ग्रो इन कॉपरेट दट इज रूल ऑफ कॉपोरेट नाउ यू कैन डू दैट इन सेवेंटी आवर्स यू कैन डू दैट इन आवर्स यू सिक्स इकन डूट नाइन आवर्स दैट इज अप टू यू उतना डिटेल में उन्होंने बोला नहीं पर यही मतलब है इफ़ यू इट टेक्स नाइनटी आवर्स डू दट टेक नाइनटी आवर्स इफ यू आर वेरी फास्ट इट टेक्स आवर्स डू 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 दैट यू कंपनी को काम से मतलब घंटों से मतलब नहीं है आजकल कंपनी आपको बैठा के रखना नहीं चाहती काम आपको ऐसा देगी डेटा की बात करते हैं कुछ रियलिटी चेक करते हैं आई इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से इंडियंस ऑलरेडी आर ओवर वर्ल्ड फोर्टी आवर्स पर वीक ऑन एन एवरेज इंडियंस काम करते हैं अगर दूसरे कंट्री को ले तो यू में ये सिर्फ थर्टी आवर्स है यूके में थर्टी अराउंड आवर्स है हम ऑलरेडी उनसे बारह घंटे पर वीक ज़्यादा काम करते हैं मतलब अगर पाँच दिन से ले तो दो घंटा पर डे हम बाकी कंट्री से ज़्यादा ऑलरेडी काम करते हैं इसका कारण भी बहुत है एक कोई कंपनी छोड़ेगा नहीं दस लोग बैठे हैं भैया जॉब लेने के लिए आप एक बार छोड़ दो आप आप एक एक कोई चले जाए ठीक है आपके जॉब से भाई बीस लोग इंटरव्यू देने कल ही आ जाएंगे इंडिया में जॉब लेने के लिए बहुत लोग हैं छोड़ने के लिए चलो आकुल है आ, मतलब छोड़ना भी चाहते हैं पर लेने के लिए तो उससे ज्यादा मरते हैं लोग यार दे आबादी इतनी है जॉब का इतना हवा है अगर आप किसी एमएनसी में गुड़गांव में कोई शीशे के ऑफिस में काम करते हो हवा बना रखा है हमारा बच्चा तो जॉब करता है वो कोई जानना ही नहीं चाहता कि अंदर वो क्या झेल रहा है अंदर वो क्या जॉब कर रहा है क्या उसे बाइक में घूमना पड़ता है क्या उसका काम किस लेवल का है कोई नहीं जानता आप एक बार घर से निकलो फॉर्मल में जाओ दस बारह लाख की आपकी सैलरी साल, है सालाना आपका इज्जत है इंडिया ने इंडिया ने पीयर प्रेशर बना रखा है बहुत लोगों को, को जॉब की जरूरत नहीं है फिर भी जॉब करना होता है इस कारण से लोग ज्यादा काम करते हैं आबादी ज्यादा है कॉम्पिटिशन ज्यादा है प्रमोशन के लिए भी ज्यादा लोग बैठे हैं तो आपको क्या करना होगा यू हैव टू वर्क मोर दूसरा मैंने आपको बताया कंपनी आपको ज़्यादा पैसा दे रही है अगर पहले सैलरीज इंडिया में इतनी हाई सैलरीज नहीं थी अब क्या हाई सैलरी का जमाना आ गया पहले आज से दस पंद्रह साल पहले सिर्फ कंसल्टिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस वाले लोग ज्यादा पैसा देते थे मैन्युफैक्चरिंग कम पैसा देता था आई कम पैसा देता था तो वर्क लाइफ बैलेंस भी था गवर्नमेंट में ज्यादा लोग जाते थे अब गवर्नमेंट में लोग जाना नहीं चाहते गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में सब स्टार्टअप में जाना चाहता है या तो स्टार्टअप खोल रहा है स्टार्टअप जाना चाहता है स्टार्टअप के एम्प्लॉज खुद इन्वेस्टर्स के लिए पढ़े काम करते हैं इन्वेस्टर्स का पैसा लगाए इन्वेस्टर्स इतना पैसा एक बार में लगा देते सौ करोड़ दो करोड़ सेलिब्रेट करते हमें पांच करोड़ मिल गया कोई आपको एक बार पाँच करोड़ दे रहा तो आपको घिसेगा ना यार मैं किसी को आज एक करोड़ भी दे दूँ मैं बोलूँगा आप घिस भाई तू मेरा एक करोड़ लेके बैठा है मैं उसको अगर वो वेकेशन पे जा रहा है मैं बोलूंगा क्या वेकेशन पे जा रहा है अपना पैसा लगाएगा तो वेकेशन पे जा मेरा पैसा लगाया तो घिसना ही पड़ेगा ई कॉमर्स में तो बहुत घिसना ही पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट योर मनी यू हैव टेकन मनी फ्रॉम समवन एल्स नाउ यू हैार्डर क्योंकि कॉम्पिटिशन का जमाना है अगर आप कम काम करके रिटर्न दे रहे हो तो आपसे आप काम करके आपका प्रॉफिट छीन लेगा बिजनेस इज कॉम्पिटिशन जो ज्यादा अच्छा सर्विस देगा वो ज्यादा कमाएगा आप अगर मान लो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो कि मैं को वकलाई बैलेंस चाहिए एज अस्टार्टअप तो कोई और स्टार्टअप आप आपसे अच्छा प्रोडक्ट दे, दे देगा ना सर्विस दे दे देगा वो फिर आपका काम प्रॉफिट रुक जाएगा आपके पास कस्टमर्स नहीं आएगा सिंपल सा लॉजिक धंधा का लॉजिक लगाना एक और क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आजकल क्या है मैं आपको बताता हूँ हर किसी को दिल्ली बॉम्बे गुरुगांव में रहना है हर किसी को कितना ही लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइफ खराब है सबको यहीं रहना है अब गुड़गांव में जो मेन एरिया है जहाँ लोग अच्छे लोग रहते हैं मंगोलियाज और क्या क्या साउथ सिटी वन मैं खुद रहता था यहाँ पे टू बी एच के फर्नीचर तक लेने जाओगे कि भाई मैं तो जॉब चेंज करना चाहता हूँ फर्नीश पचपन हज़ार साठ हज़ार रेंट है बॉम्बे में तो एक लाख रुपये रेंट है बेंगलोर में सत्तर हज़ार अस्सी हज़ार रेंट है रेंटी इतना है तो आपको अस्सी हज़ार आप ही दे रहे हो मैंने कहा क्या इंडिया सैलरी डेढ़ लाख एक लाख भी बहुत अच्छा होता है शुरू के लिए तो आप बोलोगे मुझे रेंट इतना देना है तो मुझे सैलरी बढ़ानी है मुझे स्विच लेना है मुझे प्रमोशन चाहिए मुझे ये करना है वो करना है तो आप खुद ही वंस यू हैव दोज मनी एक्सपेंसिस रेंट इतना है फिर आप ई लोगे गाड़ी ले लोगे शादी कर लोगे मान लो वाइफ को आपने थोड़ा आराम दिया कि तुम वर्क लाइफ बैलेंस ले तो आपको कमाना है तो इस चक्कर में भी लोग ज़्यादा काम खसना पड़ता है जो टीयर थ्री टीयर टू में है ना आप देख लो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़्यादा अच्छा होता है कोई एफ में गया है राजकोट में काम कर रहा है उसका बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होगा कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन से काम कर रहा है टाटा स्टील के किसी प्लांट में उसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होगा उसको दूसरे प्रॉब्लम खलेंगे कि मैं पार्टी नहीं कर सकता कि मैं फैंसी रेस्टोरेंट में खा नहीं सकता मैं इंस्टाग्राम में फोटो नहीं डाल सकता अरे कोई बात नहीं ना वर्क लाइफ बैलेंस तो वहाँ है पर अब यहाँ पर जो दिल्ली गुड़गांव में है उसे अब पार्टी भी करना है उसे अब सोशलाइज भी करना है ऑफिस की पार्टी भी ज़्यादा होती है

मैं खुद दोस्त है यार वाइस से स्टार्टअप्स में सुन रहा होगा तो सुन ले भाई मैं आज मैसेज कर रहा हूँ ना उसका मैसेज का रिप्लाई एक हफ्ते बाद आएगा वो बोलेगा बिजी है भाई जब इस चीज को उसने स्टेटस सिंबल बना रखा है ये उसकी लाइफ है तो पीपल क्या करेंगे वर्क को ही टाइम देंगे ना फैमिली चलो अपनी वाइफ को देते हो आप बट दिस इज बिकम अ नॉर्म नाउ एंड वेन दिस इज बिकम अ नॉम देन यू यू हैव टू आउट परफॉर्म करने के लिए आपको उससे ऊपर जाना ही पड़ेगा जो नॉर्म है आपको उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तभी आप लोगों के नजर में आओगे लोग सत्तर घंटे काम करें तो आपको अस्सी घंटे काम करना होगा तो ही आपको मैनेजर देखेगा क्लाइंट देखेगा आपका आप जल्दी ग्रो कर पाओगे एक और कारण क्या है कि इतना सत्तर घंटे काम करना पड़े रिमोट वर्क अभी लोगों का रिमोट वर्क हो गया है रिमोट वर्क में तो आपको काम दिया जाएगा आप क्या बोलोगे ऑफिस में हो सकता है ना आप काम कर रहे हो घिस रहे हो मैनेजर के सामने बैठे हो रात का आठ बजे काम खत्म नहीं हुआ मैनेजर का काइंड हार्ट है मानता हूं मेरा काइन हार्ट है मान लीजिए कोई मैनेजर काइन हार्ट है मैंने बोल दिया मैनेजर ने बोल दिया यार आज तो बहुत काम किया कल कर लेना मैं अपने मैनेजर से बात कर लूंगा ये ऑफिस में हो सकता है पर रिमोट वर्क है मैनेजर ने अपने दिमाग के हिसाब से तुझे दस घंटे का काम दिया तुझे बारह घंटे लग गया अब तुझे दो घंटे कुछ और भी रिलेटिव आए अब वो मैनेजर को तो नहीं पता ना अब तो उसको कैसे बोलेगा कि मैंने तो काम किया हुआ नहीं ही विल नॉट अंडरस्टैंड तो आपको रात में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा रिमोट वर्क में और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कोई आपका बच्चा है आपका फैमिली है आपके मम्मी पापा है उन सबका भी काम करना होता है आपके बुजुर्ग हैं उनका कुछ दवाई लाना है ऑनलाइन नहीं आया ऑनलाइन भी लाने में आपको टाइम हटाना पड़ता है तो ये सब भी कारण रिमोट वर्क के कारण भी वर्किंग आवर्स इंक्रीज एंड इट इज ओनली बेनिफिटेड डी इम्प्लॉयर्स मैं अगर आपको सलाह दूँ अभी तो मैं उतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कॉपरेट में बट अगर मैं सलाह दूँ अपने एक्सपीरियंस से इन द इनिशियल स्टेज यू शुड वर्क हार्ड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन मैटर मैं आपको कह रहा हूँ मैंने बहुत कंपनीज़ में काम किया है आपका मैनेजर का पहला इंप्रेशन उसके पास खुद इतना वक्त नहीं है आपके मैनेजर के पास दस अगर सबॉर्डिनेट्स है उसके पास इतना वक्त नहीं उसको अपना काम भी करना है उसका खुद का भी मैनेजर है उसके पास दस लोग और हैं तो आपको पहले दो तीन महीने में वो परखेगा कि ये लड़का क्या काम करता है अच्छा ये लड़का कैसे काम करता है कितना काम करता है सब कुछ वो पहले तीन महीने में परखेगा अगर आप पहले तीन महीने में परफॉर्म ना करो मेरे साथ हुआ है खुद पहले तीन महीने आपने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया फिर आपको कितना ही आप परफॉर्म कर लो उसके मन में आ गया आपको ना वो उतना अच्छा काम देगा ना आपका आगे ग्रोथ होने का उतना अच्छा होगा फर्स्ट थ्री मंथ्स में तो आपको बहुत काम करना है उसके बाद भी इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ योर जॉब यू हैव टू वर्क हार्ड इसके बहुत कारण है इसका कारण ये भी है कि शुरू में आप काम सीखते हो शुरू में आपको एक्सेल पीबी अच्छे से नहीं आता शुरू में आपको काम ही नहीं आता अगर आप एक सेक्टर में हो मैनेजमेंट कंसल्टिंग तो कंसल्टिंग में पहला दो तीन साल आप काम सीखोगे फिर आप उसी सेक्टर में रहोगे तो आपको आगे काम ईजी हो जाएगा क्योंकि काम तो एक ही है हर किसी के साथ ही होता है विद टाइम यू लर्न टू डू थिंग्स फास्टर आपको पता है आपको किसी चीज में ज्यादा टाइम लगता है आपको किसी चीज में कम टाइम लगता है फिर आप खुद का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे पर पहला दो तीन साल वो मुश्किल होता है आपको खुद नहीं पता what in consulting is easier for you what in consulting will it takes more time for you after working for a few years you get to know of this and then you become you can give lesser hours to work but initially you must give more hours to work it is expected out of you and it is needed to grow then you will impressions भी होगा manager भी जानेगा कि अच्छा काम तो करता था चल अभी नहीं कर रहा है तो कुछ problem होगा पूछेगा तब आप बोल सकते हो कि सर अभी मुझे ना ये problem चल रहा है मेरा mental health ठीक नहीं है मेरा शादी का ये problem चल रहा है मेरी family, mummy पापा का प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है तो टाइम दे देगा पर शुरू में आप काम नहीं करो जब आपका कमिटमेंट नहीं है बैचलर हो डो तो जब प्रॉब्लम आएंगे तो और कम काम करोगे तो ये आपका खुद का करियर ही आपका मतलब ग्रोथ मुश्किल होगा ऑफ कोर्स कुछ इंडस्ट्रीज हैं आईटी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ कम काम चलता है बट जो ज्यादा सैलरी दे रही है स्टार्टअप ई कॉमर्स कंसल्टिंग इन्वेस्ट बैंकिंग वहाँ के लिए हम बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि नारायण मूर्ति इज रॉन्ग अरे वो उस लेवल का आदमी है वो कैसे कुछ बोल सकता है स्टेटमेंट जो लोग उस पर गलत बोले वो बोल सकता है भी तो लोग वो कुछ अच्छा ही बोलेगा लोग उस पर फुटेज खाने के लिए मैं भी उस पर फुटेज खाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ऑफकोर्स बना रहा हूँ अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ बिकॉज ही इज मच मोर फेमस देन आई एम लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं तो सटीक ही बोल रहे होंगे ही इज ही इज मच मोर एन एक्सपर्ट देन आई एम एंड उन्होंने बोला है तो मैं तो उस बात से एग्री करता हूँ दिस इज माई टेक ऑन इट ऑल द बेस्ट स्टे सेफ एंड टेक केयर